हमारे एक नए वीडियो में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आप ही लोगों के सहयोग से हम नई नई रेसिपी लाते हैं। आप लोगों का सहयोग रसोई विद सिमी को ऐसे ही मिलते रहे और हम आपके लिए नई नई रेसिपी लाते रहें। हमारी कोई भी रेसिपी आपको पसंद आए तो बस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने प्यार भरे कमेंट बरसाइए। आप लोगों के कमेंट ही हमें आगे बढ़ने के लिए सहायक है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये देखिए, ये डार्क पर्पल कलर की ये है पत्ता गोभी। हमने ग्रीन कलर की पत्ता गोभी बहुत देखी होगी, बहुत खाई होगी। अब हम आपके लिए लाए हैं एक यूनिक रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को हम आपके साथ आज शेयर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रीन पत्ता गोभी है और ये देखिए डार्क पर्पल कलर की पत्ता गोभी है। विटामिन सी, ई, बी और फाइबर भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। ये शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता भी बढ़ाती है। हमारे देश में कई जगह इसकी खेती शुरू हो गई है। ये विटामिन का खजाना है। इसको जो गहरा पर्पल कलर है यही इसका कारण होता है। तो चलिए आज हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। पत्ता गोभी की सब्जी बनाने से पहले हम पत्ता गोभी की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमें इस तरह से इसे कर लेना है कट। तो ये इसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पत्ता गोभी कट हमने कर ली है। ये देखिए अंदर से ये इस तरह दिखती है। अब इसके हमें बारीक बारीक पीसेस कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस टाइप से हमें इसे बारीक बारीक कर लेना है कट। अब चलिए इसी तरह से हम पूरी पत्ता गोभी को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने पत्ता गोभी को अच्छे से कट कर लिया है। अब चलिए इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी थोड़ा उसे भी देख लेते हैं। तो ये देखिए हमने दो कटे हुए प्याज ले लिए हैं, लाल मिर्ची ले ली है सूखी 2 से 3, कड़ी पत्ता, कटा हुआ धनिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हमने चॉपर से चॉप कर लिया है, 1 कटोरी कटा हुआ टमाटर। ये देखिए गैस ऑन करके हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें डाल देना है हमें कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा, ऐड कर देना है जीरा। जीरा हल्का चटक गया, अब इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। इसमें ऐड कर देना है सूखा मिर्च, ये सूखी मिर्च हमने ले ली रही, इसे भी हमें इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कटे हुए प्याज। हल्का ही हल्का इसे हमें भून लेना है। ये देखिए टमाटर देखिए पक चुके हैं। अब जो अदरक लहसुन और मिर्ची को हमने चॉप करके लिया है इसको भी हमें इसमें कर देना है ऐड। ये देखिए हमने इसमें कर दिया इसे ऐड। इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं, भून लेते हैं। ये देखिए ये भी हमारा भून गया है। अब इसमें हमें अपनी पत्ता गोभी ऐड कर देनी है जिसे हमने काट कर धोकर रखा है। तो ये देखिए हमने इसमें ऐड कर दी अपनी पत्ता गोभी। इसे भी हमें इसमें अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। अभी देखिए हमने अभी इसमें नमक और मसाले अपने ऐड नहीं किए हैं। पहले गोभी को अच्छे से भून लेना है और उसके बाद हमें सारे मसाले इसमें कर देने हैं ऐड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पत्ता गोभी का कलर जैसे जैसे पकती जा रही है वैसे वैसे इसका कलर डार्क होते जा रहा है। अब इसमें हमें ऐड कर लेने हैं अपने मसाले। ये देखिए ये हमने आधा चम्मच ले लिया है धनिया पाउडर, आधा चम्मच हमने ले ली है मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने इसमें मिर्च हरी और सूखी वाली भी ऐड करी है इसलिए हमें आधा ही चम्मच इसमें मिर्ची पाउडर लेनी है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। चलिए इसे हम अच्छे से मिला दिया है। 1 चम्मच नमक, नमक हम अपने स्वाद अनुसार मिलाएंगे। अब बस अब इसे हमें मिला लेना है, इन मसालों को हमें अच्छे से इसमें मिला लेना है। ये देखिए तो ये देखिए ये हमारी सब्जी बनकर हो गई है रेडी। अब इसमें हमें ऐड कर लेना है कटा हुआ धनिया। तो ये देखिए हमने ऊपर से इसमें ऐड कर दिया है धनिया। तो देखिए इसे हमें 2 मिनट के लिए ढक देना है, ढकने के बाद ये रेडी हो जाएगी। अब ये हो गई है रेडी, चलिए इसे हम देख लेते हैं। अब देखिए ये सब्जी हमारी बनकर हो गई है रेडी। अब इसे चलिए हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लाल पत्ता गोभी की सब्जी बनकर हो गई है रेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।